हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल यर वॉशिंग इंग्लिश स्टडी विश्वेता चौहान ही एवरीवन आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस चलो कॉफ़ी पीते हैं इसको हम कहेंगे लेट्स हैव कॉफ़ी लेट्स हैव कॉफ़ी चलो कॉफ़ी पीते हैं सेकंड वन कहाँ जाना है वेर टू गो टू गो ओके इसका मतलब होता है कहाँ जाना है ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस ज्यादा भाव मत खाओ डोंट एक्ट सो प्राइसी डोंट एक्ट सो प्राइसी ज्यादा भाव मत खाओ नेक्स्ट इसे दिल पर मत लो डोंट टेक इट टू हर्ट डोंट टेक इट टू हर्ट या फिर आप कह सकते हैं इसे मन से मत लगाओ ओके डोंट टेक इट टू हार्ट नेक्स्ट बात तुमने छेड़ी यू ब्रॉच्ड द टॉपिक ब्रॉच का मतलब होता है किसी डिस्कशन को स्टार्ट करना ठीक है किसी बात को शुरू करना उसे हम ब्रॉच कहते हैं यू ब्रॉश्ड द टॉपिक मुझे बेचैनी हो रही है आई एम फीलिंग अन ईजी यानी मैं ठीक फीलिंग कर रहा हूँ मुझे बेचैनी हो रही है आई एम फीलिंग अनइजी नेक्स्ट सेंटेंस ये तुम्हारा वहम है इट्स योर मिसकैप्शन इट्स योर मिसकैप्शन नेक्स्ट आप लोग जा सकते हैं यू गाइज कैन गो यू गाइज यानि आप लोग यू गाइज कैन गो आप मुझे कैसे जानते हो हाउ डू यू नो मी हाउ डू यू नो मी आप मुझे कैसे जानते हैं किस प्रकार जानते हैं हाउ डू यू नो मी इस तरफ का मिटा दूँ सेल आई रब दिस साइड रब यानी मिटाना ठीक है सेल आई रब दिस साइड क्या आपको यकीन है आर यू श्योर श्योर यानी यकीन होना या निश्चिंत होना आर यू श्योर क्या आपको यकीन है वो मेरे सामने है ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी इन फ्रंट ऑफ यानी सामने ही इज इन फ्रंट ऑफ मी नेक्स्ट मुझे जांच करने दो जांच को इंग्लिश में कहते हैं चेक लेट मी चेक अप लेट मी चेक अप खाना बन गया है द फूड इज़ रेडी द फूड इज़ रेडी ओके खाना बन गया या फिर खाना तैयार है समय से खाना खा लो हैव फूड ऑन टाइम Have food, खाना खा लो है हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है समथिंग ऑलवेज हैपन समथिंग यानी कुछ ना कुछ समथिंग ऑलवेज हैपन तुम जल्दी क्यों नहीं उठे वाई डिंट यू वेकअप अर्ली वेकअप यानि उठना जागना वाई डिंट यू वेक अप अर्ली अर्ली यानि जल्दी यह किताब पढ़ो रीड दिस बुक रीड दिस बुक यह किताब पढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस है यह तुम्हें कैसी लगी हाउ डिड यू लाइक इट हाउ डिड यू लाइक इट यह तुम्हें कैसी लगी जो हो गया सो हो गया लेट बाईगन्स बी बाईगन्स बाइगॉन्स यानी जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं लेट बाइगॉन्स बी बाईगन्स बक बक मत करो इसे हम कहते हैं डोंट चैटर या फिर डोंट कैप दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं डोंट चैटर डोंट कैप इस बात का ख्याल रखना कीप दिस थिंग इन माइंड कीप दिस थिंग इन माइंड इस बात का ख्याल रखना बिना आज्ञा अंदर आना मना है नो एंट्री विदाउट परमिशन परमिशन यानी आज्ञा नो एंट्री विदाउट परमिशन अंग्रेजी रटो मत डोंट क्रैम अप इंग्लिश क्रैम का मतलब होता है किसी चीज़ को रटना डोंट क्रैम अप इंग्लिश इसे समझने की कोशिश करो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट अंडरस्टैंड यानी समझना ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इसे समझने की कोशिश करो क्या तुम्हें देर हो रही है आर यू गैरिंग लेट जब भी हमें किसी से पूछना हो तो कैसे पूछेंगे आर यू गयरिंग लेट क्या तुम्हें देर हो रही है ठीक है नेक्स्ट सेंटेंस बिजली गई हुई है द पावर इज़ आउट द पावर इज़ आउट बिजली गई हुई है अगर हमें कहना हो बिजली आ गई है द पावर इज़ ऑन अलमारी को आधा खुला रखो कीप अलमीरा हाफ ओपन हाफ ओपन यानी आधा खुला कीप द अलमीरा हाफ ओपन हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल ब्रेक बट नॉट पैंड ब्रेक यानी मिट जाना टूट जाना और बैंड का मतलब होता है झुकना वी विल ब्रेक बट नॉट पैंड उसने मेरी उम्मीदों को रौन दिया ही क्रश्ड माई होप्स होप्स यानी उम्मीदें ही क्रश्ड माई होप्स समय व्यतीत करना ही पड़ता है वन हैज टू पास टाइम एनी हाउ वन हैज टू पास टाइम एनी हाउ नेक्स्ट किताबों को सिलसिले से रखो पुट द बुक्स इन ऑर्डर ऑर्डर यानी करीने से सिलसिले से पुट द बुक्स इन ऑर्डर जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है अब यह एक ईडियम है इसे हम कहेंगे द वियर अलोन नोज where द शू pinches. द wearer अलोन नोज वेयर द शू pinches. नेक्स्ट तुमने मेरा सर नीचे कर दिया है यू हैव बॉट मी टू shame. यू हैव बॉट मी टू शेम ठीक है तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है देखें वे कितने पानी में है इसका मतलब है चलो देखते हैं कि उसका पोजीशन क्या है लेट सी वे ही स्टैंड्स लेट सी वे ही स्टैंड्स यह आपको शोभा नहीं देता दिस बिहेव यू बिहेव यानी आपको शोभा नहीं देता या फिर ये सब काम आपको सूट नहीं करते हैं। आपके लिए स्वीटेबल नहीं है दिस ट बिहव यू मेरा सर चक्कर खा रहा है माई माइंड इज रीलिंग माई माइंड इज रीलिंग ठीक है मेरा सर चक्कर खा रहा है मुझे चक्कर आ रहे हैं नेक्स्ट मैं तुम्हारा हिट चाहता हूँ आई विश यू वेल आई विश यू वेल मैं आपका हिट चाहता हूँ मैं आपका अच्छा चाहता हूँ ठीक है आई विश यू वेल आपका जवाब नहीं इसको हम कॉम्प्लीमेंट के रूप में कहते हैं यू हैव नो मैच मतलब कोई नहीं है जो आपकी पोजीशन तक आपको मैच कर सके यू हैव नो मैच कृपया ये पता लिख लीजिए प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस एड्रेस यानी पता और राइट डाउन यानी लिख लीजिए प्लीज़ राइट डाउन दिस एड्रेस इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं वट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश वट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश हम इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं ठीक है समय आ गया है द टाइम हैज कम द टाइम हैज कम समय आ गया है ठीक है जैसे हम बोलते हैं समय आ गया है पढ़ने का द टाइम हैज कम वह अपना उल्लू सीधा कर रहा है ही सर्विंग हिज ओन एंडस ही अपना उल्लू सीधा कर रहा है टॉप ऑफ यॉय शाउटिंग यानी चिल्लाना एन द टॉप ऑफ योर वॉयस यानी बहुत तेज वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉयस तुम्हारा साथ कौन देगा इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हु विल कॉपोरेट विद यू कॉपरेट का मतलब होता है साथ देना सहयोग देना हु विल कॉपोरेट विद यू तुम्हारा साथ देने के लिए चाय पी रहा हूँ आई एम टेकिंग टी जस्ट टू कीप यू कंपनी कंपनी यानी साथ देना ठीक है आई एम टेकिंग टी जस्ट टू कीप यू कंपनी अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस इस मामले में मुझे मत शामिल करो डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर इन्वॉल्व यानी शामिल करना मैटर यानी डोंट इन्वॉल्व मी इन दिस मैटर बात साफ है द मैटर इज क्लियर द मैटर इज क्लियर बात साफ है ठीक है मामला बिल्कुल साफ है द मैटर इज क्लियर वेल दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो इफ यू लाइक देंट हिट द लाइक बटन and subscribe my channel for more informative and interesting video like this